Hello friends, welcome to Arjun Education. Today we are going to discuss the poem The Emperor of Ice Cream by Wallace Stevens. The Emperor of Ice Cream is written by an American poet, Wallace Stevens. Wallace Stevens was born on October 2, 1879 and died on 2nd August 1955. He was a Harvard graduate. उसको अपनी लाइफ में 1955 में पुलित्ज़र प्राइज के साथ साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स एंड प्राइजेस मिले. उसके पब्लिश्ड वर्क्स में हारमोनियम, द मैन विद द ब्लू गिटार एंड ऑरोराज ऑफ ऑटम इम्पॉर्टेंट हैं. द पोएम द एम्परर ऑफ आइसक्रीम हारमोनियम, जो कि उसकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, उसमें से ली गई है. ये एक शॉर्ट लिरिक है जिसमें सिर्फ 16 लाइंस हैं और जिनको 2 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है. ये ह्यूमन लाइफ के बारे में बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट देती है. टाइटल द एम्परर ऑफ आइसक्रीम पोएम की अंडरलाइंग आयरनी को दर्शाती है. आइसक्रीम यहाँ पे लाइफ का मेटाफर यानी कि रूपक है. जैसे आइसक्रीम मेल्ट्स इन नो टाइम, आइसक्रीम के लिए हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि वेट करते हुए वो पिघल जाएगी. इसी तरह से पोइट कहना चाहता है कि लाइफ भी इसी आइसक्रीम की तरह ही है जिसमें हमें नहीं पता कि कब ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म होने से पहले इसको पूरी तरह से इन्जॉय कर लेना चाहिए. हमारी लाइफ में जो भी है बस यही एक प्रेजेंट का मोमेंट है, यही एक पल है, सो इसे भरपूर जीना चाहिए. बस यही थीम को ही पोइट ने 2 स्टैंजास के थ्रू एक्सप्लेन किया है. मैं पहले स्टैंजा 1 का टेक्स्ट पढ़ती हूँ. कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स द मस्कुलर वन एंड बिड हिम व्हिप इन किचन कप्स कंक्यूपिसेंट कर्ड्स लेट द वेंचेस डॉडल इन सच ड्रेस एज दे आर यूज्ड टू वियर एंड लेट द बॉयज ब्रिंग फ्लावर्स In last month's newspaper, let B be finale of scene. First stanza में एक wake ceremony का scene है, जो कि कुछ cultures में death ceremony होती है, जिसमें मरने वाले के परिवार के लोग इकट्ठा होके food and drinks enjoy करते हैं और मरने वाले को उसकी याद को celebrate करते हैं. अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि मरने वाली एक औरत है और यहाँ पर आइसक्रीम्स कर्ड्स बनाने हैं. तो जो सिगार्स को रोल करने वाले मस्कुलर मैन हैं, सिगार आप लोग जानते हैं कि एक तरह का सिगरेट होता है, और जो उनको रोल करते हैं तो वो बड़े पावरफुल और मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी होते हैं. तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि उन लोगों को यहाँ पर क्रीम्स और कर्ड्स को विप करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए बुलाना होगा और इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है. और इतना रिच और डिलीशियस जो कर्ड्स एंड क्रीम्स बनाई गई हैं, उसे शानदार और क्रिस्टल क्रॉकरी में सर्व करने की बजाय ऑर्डिनरी किचन कप में ही सर्व किया जाएगा. वेंचेस यानी कि यंग गर्ल्स, यंग सर्विंग गर्ल्स, उनके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्हें अपने रूटीन के कपड़ों में ही वो आएँ, ताकि ना कि अपने रिच क्लॉथ्स में आए. और जो बॉयज़ आ रहे हैं, यंग बॉयज़ आ रहे हैं, तो वो भी अपने जो फ्लावर्स ला रहे हैं मरने वाले की याद में, तो वो भी पुराने अखबारों में लपेट कर लाएं, ना कि गिफ्ट रैप्स में. अगर अब यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करें तो पोएट ये कहना चाहता है कि सब कुछ बड़े रियलिस्टिक वे से हो, ना कि किसी प्रिटेंशियस वे से. और लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा में वो ये चीज़ क्लियर भी कर रहा है कि हम सबको रियल होना पड़ेगा, जहाँ पे वो कहता है लेट बी बी फिनाले ऑफ सीन, मतलब कि वी हैव टू लिव आवर लाइफ रियलिस्टिकली. क्योंकि हम सबको ये मानना पड़ेगा कि लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए जैसे ये औरत आज जिंदा नहीं है, उसकी जगह कल हम भी हो सकते हैं, तो मरने से पहले हमें पूरी तरह से जीना होगा. द ओनली एम्परर इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम.
ये लाइन दोनों स्टैंजाज में रिपीट करी गई है, जो कि ये आइडिया एडवोकेट करती है कि लाइफ की सेंसुअस इंजॉयमेंट को किसी भी सूरत में मिस नहीं किया जाना चाहिए। लाइफ को पूरे बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया जाना चाहिए, उसका एक एक मोमेंट बहुत कीमती है, और जैसे ही हम टाइम गवाते जाएंगे वो मोमेंट्स हमारे हाथ से निकलते जाएंगे, वो दोबारा कभी भी हम जी नहीं पाएंगे। उसका सेकेंड स्टैंजा मैं पढ़ती हूँ। टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील लैकिंग द थ्री ग्लास नॉब्स दैट शीट ऑन विच शी एम्ब्रॉयडर्ड फैंटेल्स वंस एंड स्प्रेड इट सो एज टू कवर हर फेस। इफ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड दे कम टू शो हाउ कोल्ड शी इज एंड डम। लेट द लैम्प एफ्लिक्स इट्स बीम द ओनली एम्परर इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। स्टैंजा टू में फोकस दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है जहाँ उस औरत की डेड बॉडी पड़ी है, और कहा गया है कि उस ड्रेसर में से जिसकी तीन नॉब्स टूटे हुए हैं, नॉब्स मतलब जो हैंडल हैं उसके टूटे हुए हैं, उसमें से वो शीट निकाली जाए जिसपे उस औरत ने अपने हाथों से सुंदर टेल्स वाले पिजन्स या मोर जैसा कुछ पक्षी बनाया था एम्ब्रॉयडरी से, और वो शीट निकाल के उस औरत की डेड बॉडी को ढक दिया जाए। तो पहले तो वो जो नॉब्स तीन टूटी हुई हैं, ड्रेसर पड़ा हुआ है, तो ये जो सारी चीज़ें मतलब दिखाती यही है कि वो औरत की ज़िंदगी कितनी गरीबी, कितनी पावर्टी में रही है। वो तो ड्रेसर भी टूटा फूटा सा है उसके घर में, अब पुरानी वो एक शीट चादर निकाल रहे हैं, जब उसका फेस ढकने को बोला गया है तो फेस ढका गया है, और वो चादर इतनी छोटी है कि उसके जो पैर हैं वो बाहर रह गए हैं। अब उसके पैर जो हैं उसके लिए हॉर्नी वर्ड यूज़ किया गया है, हॉर्नी फीट। हॉर्नी का मतलब होता है बड़े रफ़ एंड हार्ड, जो लोग बहुत पैदल चलते हैं उनके जिस तरह से फीट हो जाते हैं, तो उसके पैरों से भी पता चलता है कि वो कितनी गरीब औरत थी, उसके पैर बहुत सुंदर या मुलायम नहीं थे, हॉर्नी फीट थे जो प्रोट्रूड कर रहे हैं। प्रोट्रूड कर रहे हैं मतलब चादर में से बाहर निकल रहे हैं। उससे पता चलता है कि वो एक तो वो गरीब है, दूसरा वो पैर ठंडे हैं, कोल्ड हो चुके हैं, मरने वाले के पैर ठंडे होते हैं। लेट द लैम्प अफ्लिक्स इट्स बीम, यानी कि लैम्प को जगाने को बोल रहे हैं, कोई सॉफ्ट कैंडल जलाने को नहीं बोल रहे, जो कि इन मौक़ों पे अक्सर जलाई जाती है। तो लैम्प की रोशनी हार्श होती है, वैसी ही हार्श जैसी कि उस औरत की ज़िंदगी थी, हार्श रफ। तो वो लैम्प को कह रहे हैं जलाया जाए और उसकी रोशनी जो है वो मरने वाली औरत पे पड़े, क्योंकि उसकी लाइफ जो स्ट्रगल से और दिक्कतों से पावर्टी से भरी हुई थी, उसके लिए लैम्प की हार्श लाइट ही ठीक लग रही है। यहाँ लैम्प्स की बीम एनलाइटनमेंट का भी सिंबल है। एनलाइटनमेंट मतलब जहाँ सब कुछ रोशन हो जाता है, क्योंकि पोइट चाहता है कि काश इसकी रोशनी से हम सबके मन और दिमाग भी रोशन हो जाएं, ताकि हम ये सब समझ पाएं कि मौत एक इनएस्केपेबल रियलिटी है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। स्टीवंस ने डेथ को किसी सेंटिमेंटल या रोमांटिक नोशन के साथ प्रेजेंट नहीं किया है, रादर उसको क्रूअल और हार्श रियलिटी बताया है, जो किसी पे तरस नहीं करती, जो किसी के लिए उसके मन में दया या काइंडनेस बिल्कुल नहीं आती। उसके लिए कोई छोटा बच्चा है, बुज़ुर्ग है, औरत है, वो किसी भी नस्ल का है, किसी भी देश का है या किसी भी जेंडर का है, उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती है। मौत किसी पे तर्स नहीं करती, और यही चीज़ पोइट हमें बार बार सिखा रहा है। पोइट की फिलॉसफी है इन्जॉय एवरी थिंग, इन्जॉय एवरी साइट, एवरी साउंड एंड कलर्स ऑफ लाइफ बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रेजेंट मूवमेंट। आज ही है जो है, बस यही एक पल है, और लाइफ को किसी भी हाल में एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी चीज़ है एक्सेप्ट तो करनी है, तो क्यों ना हम उसे खुले दिल से, प्यार से स्वीकार करें, एक निडरता से स्वीकार करें। तो आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज
अर्जुन एजुकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।